चलें जी, आज हम करेंगे प्रैक्टिस किसकी, यूनिट थ्री की, फ्रैक्शंस यूनिट थ्री है ना, और ये बुक है, गौर से देख लें, NSPM 6, ठीक है, ये न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स 6 की बुक है और ये सेकंड एडिशन है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ ऐसे, अब ये मारा मारकर अगर लिखे तो, है ना, लिखेगा, चलो, हाँ गुड गर्ल। अब देखें, उसने क्वेश्चन वन में कहा है फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर वन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर वन ये उठाए, हाँ अब क्वेश्चन नंबर वन आ गया हमारे पास, हमने फाइंड द वैल्यू करनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर वन आ गया हमारे पास, कि मेरा हाथ आ रहा है इस पर, है ना, तो चलो ऐसे कर लेते, बड़ी देर प्रैक्टिस भी नहीं रही है ना, कर ले। ये ले, बंद कर दे इसको। चले क्वेश्चन नंबर वन, और इसमें हम करेंगे वन ओवर थ्री को डिवाइडेड बाय फोर, है ना, याद रखने के डिवाइड नहीं होता, गुड गर्ल, वन ओवर थ्री डिवाइड, तो हम वन लगा सकते हैं, बेसिकली ये डिवीजन है एक फ्रैक्शन की विद होल नंबर, ठीक है, एक फ्रैक्शन की होल नंबर से डिवीजन है, फोर होल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, हम फिर क्या करें, अब हम वन ओवर थ्री डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, वन ओवर फोर, अब थ्री वन हम क्रॉस में भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी, पर ज्यादा ऐसे ही रहेगा, तो वन क्रॉस में या ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं, कभी भी ऊपर नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर वाला हमेशा ऊपर से, जिसको हम न्यूमिरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, तो हमारा ये आ गया वन वन आर वन और थ्री वन आर थ्री, सो दिस वे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बी पार्ट इसका, ठीक है, फोर था तो ठीक है, गलत है मेरा, है ना, फोर थ्री आर ट्वेल्व, ध्यान रखना, वीडियो बनाते मैं इस तरह की गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। सिक्स ओवर इलेवन डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है, अब 6 ओवर 11 डिवाइडेड बाय 3 के नीचे खुद से 1 लगाते हैं, अब फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, 6 ओवर 11 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, अब कुछ कटिंग हो जाती है, ऊपर नीचे देखें, गौर करें, 3 और 1 नहीं कटते, 3 और 6 कट जाते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो अब ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से, 2 1s are 2, 11 3s are 33, दैट इज आवर आंसर, इसकी बैक पे है ना, बैक पे भी बोल दिया, वो थ्री को आपने वन में कट किया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ छोड़ी है हमने, है ना, ये देखना इलेवन आएगा, गुड, आप खुद भी मिस्टेक्स नोट करें, बहुत ज्यादा वीडियो बनाते बहुत मिस्टेक्स करते हैं हम, ठीक है, एक तो प्रैक्टिस नहीं रही, अब बहुत देर हो गया नहीं बना रहे हम, ठीक है, इस वजह से मिस्टेक्स हो रही है, हाँ नहीं मिस्टेक नहीं हो रही, समझाना और चीज होती है, करना जब खुद हम करते हैं तो फिर हम टोटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन जब समझा रहे होते हैं तो हम कर कुछ रहे होते हैं, मेरा वैसे भी इशू है कि मैं बहुत दूर तक चला जाता हूँ, तो फिर दिमाग मेरा आगे चल रहा होता है और मैं पीछे होता हूँ। 5 ओवर 8, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 ओवर 10, तो स्लो करता हूँ, 5 1s are 5, 5 2s are 10, अब 1 1s are 1 और 8 2s are 16, टोटली ठीक होगा आंसर, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे पे नहीं ध्यान दिया, तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की, वीडियो की है, 4 ओवर 1 इसका डस्ट, हाँ चेक कर दी जा बस, ठीक है, 12 समझती जाओ, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछती जाओ, डिवाइडेड बाय 12 ओवर 1, ठीक है, प्रॉपर वे कर लेते हैं, और अब आ गया हमारे पास 4 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 12, 7 और 4 नहीं कटता, 7 और 1 भी नहीं कटता, 4 और 12 आपस में कट जाते हैं, 4 1s are 4, 4 3s are 12, अब ये कट गए हैं, 1 1s are 1, 7 3s are 20 1, दैट इज आवर आंसर, अभी हमारे इस क्वेश्चन के चारों पार्ट हो चुके हैं, अब मुझे दो कोई टिश्यू या कोई डस्टर जिससे इसको अरेज करें, जल्दी से पकड़ मेरा बेटा, जल्दी जल्दी आ जा, फिर से एक बार आपको एडवाइस कर देता हूँ कि हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हाथ रखो, ये हिलेगा, हाथ रख, हाँ प्यारा बच्चा, दूसरी साइड भी कर दे, अब उसकी ओवर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ दे दो है तो, अच्छा जी, अ शेफ डिवाइड 4 ओवर 5 kg फ्लोर इक्वली इनटू 8 बैग्स, अब वो 4 ओवर 5 kg
जो है फ्लो उसको आटे को पैक कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है 8 bags में। सो सीधा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, 4/5 को वो डिवाइड कर रहा है कितने बैग्स में, 8 bags में, ठीक है। अब वही क्वेश्चन बन गया ये, 4/5 डिवाइडेड बाय 8/1, 4/5 इंटू 1/8। अब चेक करेंगे कुछ कटिंग तो नहीं होती, अगर कुछ कटिंग होती है तो हम कटिंग करेंगे, 4/8 कटिंग हो जाती है, 4 ones are 4, 2s are, अब 1 ones are 1, 2 fives are 10, दैट इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि जी जीनी हैज़ अ रिबन, जीनी को हो गई, आयरा हो गई हमारी, आयरा हैज़ अ रिबन दैट इज 3/10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। शी कट्स द रिबन इंटू 2 equal parts, तो वेरी इजी, वो एक रिबन है जिसको 3/10 थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 3/10 डिवाइडेड बाई 2 equal parts, ठीक है। हाफ भी कहें तो वो फिर 2 से ही डिवाइड करते हैं, मैथ्स में हाफ भी 2 से ही डिवाइड करना होता है, 3/10 डिवाइडेड बाई 2/1। स्टार्ट में बड़ी वीडियो किया जो पिछला चैनल था उसमें हमने बहुत वीडियो की है इससे, अब कटिंग होती है कुछ नहीं, 3 ones are 3 और 10 twos are 20, दैट इज आर आंसर। तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसके साथ। अब आगे चलते हैं, आगे इधर से ही देखते जाते हैं ना, चलो कोई बात नहीं मिल रहा तो अब आ जाते हैं, क्या है हमारा, डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अब एक होल नंबर को फ्रैक्शन से करेंगे डिवाइड हम, ठीक है। वो कहता है व्हाट इज द, अच्छा ये स्टेटमेंट पढ़नी सीखो, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट पेज नंबर है हमारा 39, व्हाट इज द 5/2 of 10, इसको देखो एक बार ही पढ़ना सीख लो कैसे, इसको 5/2 of 10, अब 5/2 of हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ठीक है, 10 इसके नीचे खुद से 1 लगा लेते हैं, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, 5 5s are 25 आंसर। तो इसका भी उसने तो यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं किया, तो आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 × 33, तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, 5/6 of 33, इसके नीचे खुद से 1 लगाते हैं, अब ये दोनों टेबल 3 से कटते हैं, 3 2s are 3 11s are, ये अब आ गया 11 5s are 55/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी भी चाय के कप के ऊपर प्लेट नहीं रखी जाएगी, छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ नहीं रखी जाएगी, वो तो दब के मर जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, कैसे डिवाइड करेंगे, चाय कप तो एक सॉलिड चीज़ से बनी हुई है, जमीन पे गिरे तो टूटती है ना, वो आपने हाइड्रोलिक प्रेस नहीं पढ़ा मेरा ख्याल है साइंस में, 2 2s are 4 1 5 आ गया, 2 7s are 14 -1, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितने होल्स आ जाते हैं, 27 होल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इधर लिख लूँ 27 होल आ जाते हैं हमारे पास, एक बच जाता है और हमने डिवाइड इसको 2 से किया था, दैट इज़ आर आंसर। इसका ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको आगे जाने देते हैं, इसको आगे जाने देते हैं, इसको आगे जाने देते हैं। वो कहता है 1 divided by 1, ये अब आ गया होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना, वो दो टिशू, विद इन 8 मिनट हम काफ़ी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। अब एक होल नंबर को डिवाइड करेंगे, अब होल नंबर को डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन से, है ना, होल नंबर को डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन, दिस इज होल नंबर, दिस इज फ्रैक्शन। अब वही सीन, कोई मसला नहीं है, डिवाइड तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला गया वो नीचे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले को, 4 ones are 4/1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, राजू के पास 2 है वो वेफल्स हैं और वो उसको 1/3 टू वेफल्स और वो उसको 1/3 में डाल रहा है उनको, ठीक है। पुट्स देम इन टू सम प्लेट्स, ही पुट 1/3 ऑफ अ वेफल ऑन ईच प्लेट, हाउ मेनी प्लेट्स डज ही यूज। उसके पास 2 थे, उसने इक्वली उनको डिवाइड कर दिया किस में, 1/3 प्लेट्स में, ठीक है। जैसे हमारे पास मार्कर हैं ये इतने ज़्यादा, इनको हम एक को इसमें डाल देते हैं, एक को इसमें, तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड हमें पता है कैसे करेंगे, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे खुद से 1 लगाया, 2/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 3/1 3 2s are 6, दैट इज़ आर आंसर।
तो बड़े आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 है उसके पास और उसको डिवाइड कर रहा है वो 1/5 में। छोड़ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बुक है, पढ़ लेंगे। 3/1/5 3/1 × 5/1 तो ये आ गया 15। अब मेरा ख्याल है मुझे छोड़ देने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन करूँ, ये वाले कर लूँ क्वेश्चन। चले अब मैं ये कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसको रेज कर दे। अब ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले बैक साइड रेज कर दो। जी कर दो। और ये पेज नंबर 42 ले। अब हम आ गए हैं इधर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आ गया 1/ (1/3) मैं खुद इधर से कर रहा हूँ, बोर्ड का वो मैंने एडजस्ट किया हुआ फ्रेम में, ठीक है, इसलिए 1/1/5 चल इधर से कर लेता हूँ। ला इधर कर, लिख रेस कर वो जी महाराज, चलो जी चलो जी, हमारा चूसा कह रहा है इधर से लिखे 1/1/3 उस्ताद को सिखाएगी तू अब। इसके नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है, 1/1 × 3/1 तो ये मेरे बेटे का क्या आंसर आ गया, 3 1s are 3 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको बॉक्स लगा देते हैं ताकि जगह बने। यहाँ पे बी ले आते हैं ना, अब बी क्या है हमारा, बोलना ज़रा, बोलती जाऊँ, 1/1/10 सीधा ही लिख रहा हूँ अब मैं, 1 × 10 है ना, तो ये आपका 10 आंसर आ गया। सोचो कैसे, 1/10 मैंने ओवर 1 नहीं लगाया है ना। अब आ गए यहाँ पे 1 को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ गए यहाँ पे आते हैं पहले, चलो ये हमारा क्या आ रहा है, सी 2/1/8 सीधा ही करेंगे, 2 × 8 है ना 16। ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत तो नहीं है ना, काफ़ी है ना इतना, यही है, पहले नीचे 1 लगाएंगे फिर ऐसे प्रो कर लेंगे, 1 1 का तो क्या फ़ायदा, थोड़े बड़े हो जाओ। अब आ जाते हैं डी पे, डी लिखवाएं क्या है, 3/1/12 ये आ गया 3 × 12 दैट इज 36 आंसर। नेक्स्ट 5/1/6 ये है, यस 5/1/6 सो आ गया 5 × 6 दैट इज 30 आंसर। नेक्स्ट 8/1/9 ये आ गया हमारे पास F, 8/1/9 सो 8 × 9 8 × 9 72 दैट इज आवर आंसर। भाई करो करो चेंज इसको। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू 2/2/3 सो क्वेश्चन नंबर 6 है ये और पेज है ये 42 जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2/2/3 इतनी 2 × 3/2 अब इसके नीचे 1 लगाना पड़ेगा। अब ये कटिंग हो रही है, 2 2 से कैंसलेशन हो गई, 2 1s are 2 2 1s अब 1 3s are 3 आंसर आ गया हमारा इस पे आ गए। हाँ जी मेरा बेटा क्या सोच रहा है, क्या रमीन को हंसी आ गई है, मैंने ऐसे बोला रमीन को हंसी आ गई है। चलो कोई नहीं, कोई बात ऐसे नहीं। लगा कि हमें क्वेश्चन के साथ ही बोल दिया। अच्छा अब देखो वो सिखाने के चक्कर में किधर पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, वो कहता है व्हाट इज 3/3/5 चलो व्हाट इज 3/ हमें कॉम्प्लिकेटेड करने की इनको जरूरत नहीं है, है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट खराब करेंगे, बेसिक लेवल पे इसको सीखते हैं फिर एक्सपर्ट होते जाते हैं, है ना। 3 3 से कट गया 5। अब मैं इसको इतना लंबा चौड़ा करके बयान करूं कि आप वैसे परेशान हो जाए कि ये क्या है, सीधा सा सवाल उसमें बना के दिया 4/3/4 तो हम इसको सीधा सीधा करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इतनी, 4/3/4 इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका 4/1 × हमेशा आगे वाले को चेंज करते हैं रेसिप्रोकल 4/3 ठीक है। अभी हम 3 ठीक करें, 4 4s are 16 ठीक है ओवर 3। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है। अब 3 5s are 15 कितना बच गया, 1 बच गया ना, 3 5s are 15 1 इज लेफ्ट ओवर 3 दैट इज आर आंसर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, आप चेंज करो उसको तब तक इस क्वेश्चन के ऊपर,
आ जाते हैं। उन्होंने कहा इसका वैल्यूज निकालें, 44 पेज है पूरी, मैंने पेज वहां से लेके यहां तक करवाया है ना। चले ये चल रहा है अभी पेज 44। वो क्वेश्चन नंबर 10 करने लगा मैं, क्वेश्चन 10 कर रहा हूँ मैं। लिखवाओ क्या है पहला, ए 5/5/6। बहुत आसान सवाल है ये, मार्कर बंद कर दो। देखो इसलिए हम ज्यादा मार्कर रखते हैं कि एक को सांस देना पड़ जाए तो फिर दूसरा चलाएंगे, तो ये सारे इसी तरह खत्म होते हैं। वो देखे ना थक के, इंसान नहीं है तो मशीन तो है ना, उसको रेस्ट तो देना ना। इंक तो थी ना इसमें, वो हो गया डल। ये भी इसी तरह लिया। उसको होश ही नहीं है कहाँ पे, अंदर है। ला फिर ब्लैक ही ले यार। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। अभी मुझे सुबह पूछ रहा था कोई, इतने मार्कर क्या करते हैं, यही करते हैं और क्या करते हैं। कभी कोई हो जाता है, अब देखो ना वो फ्लो टूट गया मेरा। 8/1 × 7/4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 7 = 14 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है सी पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, पेज 44 पे, डिवाइडेड बाय 4/5, तो ये आ गया 2 × 5/4, 2 × 1 = 2। ला ला अपने लिए संभाल के रखे हुए थे। अच्छा सही, ब्लैक ठीक है, दे फिर वो ये बंद करा रहा। ये आपका आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 / 1/2 आंसर, दैट इज आवर आंसर। इसके बाद डी पार्ट मेरा ख्याल रह गया इसका, डी पार्ट आ गया हमारे पास। ध्यान से समझो भी साथ, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं इतना, ये तो बस एक कह लें कि वीडियो बना रहे हैं ऐसे ही शुगर। 10/9 ताकि तुम्हें 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये आ गया 4 × 10 = 40 और नीचे आ गया 3। अब 40 को डिवाइड करते हैं इधर 3 से, 3 × 1 = 3, माइनस किया 1 ऊपर से आ गया 0, 3 × 3 = 9, 1 आ गया, 13 whole 1 रिमाइंडर है ना, 13 whole 1 इज लेफ्ट एंड 3 से डिवाइड हमने किया था, 13 whole 1/3 आंसर। सो ये वाला पेज हमने कर लिया। अब ये भी सेम वैसे ही, अब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं ताकि प्रैक्टिस को करेंगे। ये पेज नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पेज 45 पे हैं। पेज नंबर 45 क्वेश्चन बोलते जाओ मेरे बेटा, ए पार्ट। ए पार्ट 2 / 2 / 1/5, वेरी इजी, इसके नीचे खुद से 1 लगा लें, 2/1 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, इसको रेसिप्रोकल लेना कहते हैं क्योंकि डिवाइड का रेसिप्रोकल है मल्टीप्लिकेशन, 5 × 10 = 1, 1 = 1, तो 10 ही आंसर। गुड गर्ल, देखा मुश्किल है कोई, आसान सा काम है ये, 5 / 5 / 1/7। अब इसके नीचे खुद से 1, 5/1 × 7/1, तो ये कितना आ गया 35। अब सी पार्ट लिखवाएं क्या है, 9/3/4, 9/3/4, सो 9/1 × मैंने जल सीधा ही 1 लगा दिया इसमें, चलो 1 लगा लो, दिखाओ जाओ भाई दिखा या 3 × 4 = 12 आंसर। सी आ गया, अब डी का लिखवाओ क्या, डी वाला 8/4/5, इसके नीचे 1 लगा दिया, ये हमारे पास आ गया 8/1 × हम इस वजह से लगाते क्योंकि जरा हमें इजी लगता है ना, नीचे कोई वैल्यू। अच्छा मैंने जब से ये 1 लगवाना शुरू किया गलती नहीं होती बच्चों से, सॉरी 10 आना यहाँ पे, गलती नहीं होती कटिंग वगैरह करने में, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो फिर मैंने ये जब से लगवाना शुरू किया ना तब से ये इशू नहीं आया हमें इस तरह का कि वो गलती हो जाए, क्योंकि इस तरह वो उनको इस तरह जरा क्लियर हो जाता है कि नीचे कौन सा है और ऊपर कौन सा, इस तरह वो सम टाइम उसको भी नीचे ही समझते हैं या उस बिल्कुल। तो इसके बड़ी वजूहत हैं, इस वजह से हमने करवाया, कुछ लोग इसको फिर ये भी कह देते हैं कि गलत करवा रहे हैं ना, वो इतना टाइम गुजारने के बाद जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसके ऊपर हम इसको करते हैं। ये सही सवाल लिखा था हमने, ठीक है, 7/5 = 35, 35/3, अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा,
35 को 3, हाँ गुड गर्ल, 3 वन जार 3, 2 ऊपर से उतरा 5 है ना, 3 वन जार 3 और बचा 2, यानी 11 होल और 2 लेफ्ट और 3 से हमने डिवाइड किया था, 11 होल 3 और 5, साइड चेंज कर ले, दोनों तरफ लिखा, इतना लिखा हमने, चल जल्दी कर, रेस करना पड़ता बार बार, चल कोई बात नहीं, ये सही है, इतना को सही है जिसको आप कैरी कर सकें बड़े आसान से। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन एफ रह गया था आई बिलीव, है ना, अब इसका एफ पार्ट है हमारे पास, ठीक है एफ पार्ट करेंगे, एफ पार्ट बोलिएगा क्या है, एफ पार्ट 11 डिवाइडेड बाय 8 ओवर 9, इसके बाद आएगा आपका करना हमने, ठीक है 11 ओवर 1, तब तक आप अपना वो कर लो को लर्निंग वाला काम, 9 ओवर 8 आ गया, अब आ गया 11, 9 टाइम्स 99 ओवर 8, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, नीचे वाला तो मर जाएगा, तो इसको निकालना है हमने जल्दी जल्दी, है ना, तो इसको हम निकालेंगे जल्दी जल्दी, अब याद रहेगा ना, ऊपर बड़ा नीचे छोटा ये तो मर जाएगा, तो हम 8 से तो इसको कोशिश करेंगे कि निकले, 8 वन टाइम 8 है ना, 1 आ गया, ऊपर से 9, 8 टू जार 16, नीचे क्या आ गया 3 है ना, तो ये आ गया 12 होल्स आ गए हमारे पास और 3 ओवर 8 आंसर, तो फिर मेरा बेटा यही देखती जा, अब वो कहता है हाउ मेनी क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है फोर्थ पार्ट, 1/4, सो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर इन 4 होल्स, 4 होल में क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, हाउ मेनी क्वार्टर्स इन 4 होल्स, 4 होल्स को डिवाइड करेंगे अगर हम क्वार्टर से 1/4 से, ठीक है, अब 4/1 इनटू 4/1 रेसिप्रोकल ले लिया इसका, ये नीचे आ गया ये ऊपर चला गया, 4 टाइम्स 16, इट मींस के 4 होल में 16 क्वार्टर्स होंगे, अब अगला क्वेश्चन लास्ट वाला क्या है, सम पीपल शेयर्ड 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स हैं उन्होंने शेयर किया उसको इक्वली 2/3, और ईच पीपल ने रिसीव किए 2 or 3 ऑफ अ चॉकलेट बार, चलो सो हाउ मेनी पीपल वर देयर, अब निकाल लेते हैं 4/1 इंटू 3/2, अब ये आ गया 4 3s are 12 और ओवर आ गया 2, मैंने गलती कर दी यहाँ कटिंग करनी थी, अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन हम कोई बात नहीं इस स्टेप पे कटिंग कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे भी कटिंग कर सकते हैं, क्या लिख रही हो, वाइफ साहब कैसी हैं आप, ठीक है 2 1 टाइम 2 6 टाइम, खुद नहीं चलाया हुआ हमने, अब 2 1 आज का डेट है भला अक्टूबर 10 और हमें सर्दी लगना शुरू हो गई है, शुरू हो गई हमारी सर्दी का पानी है, असल में और कितने को असल में आए कि जब मैं को जम जाऊंगा, हाँ हमारी रोड बनने लगी है, चलो शुक्र है दुनिया, नहीं तो पहले बहुत ही सही थी रोड, पता ही नहीं क्या खुदाइयां की थी, अब तो चली भी गई है, पिछले दिसंबर में चली गई थी, अच्छा ये वाली हो गई, अब कल करेंगे डिवाइड, वैसे फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन भी कोई इशू नहीं है, हम आगे फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन जब वन लगाते हैं तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड हो जाती है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ये वाला फिर बाद में करेंगे बाकी, ठीक है अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं है, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 क्या फर्क है इसमें, देखो कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन में डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4/4 से कट गया 3 आंसर, क्या फर्क है इसमें, उसमें हम लग रहा आ गई है ना पंखों की वजह से, अच्छा वो एक अब ये क्वेश्चन करते हैं, 5/6 डिवाइडेड बाय 1/6, 5/6 डिवाइडेड बाय 1/6, ये क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, पहले हमने क्या किया एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया, फिर एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा, आपको लगा हो सकता है, 6 1 टाइम ये आ गया 5 आंसर, इसके साथ आगे और क्वेश्चन ये है, ये वाला भी इस तरह का, ये भी कर देता हूँ, 4/5 डिवाइडेड बाय 2/10, क्या है कि फ्रैक्शन में तो होता ही नहीं डिवाइड, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जब डिवाइड लगाना है तब रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है जब डिवाइड लगाना है तब, अब देखो सब कुछ ही कटता है, ये 5 10 से कटता है, ये 2 और 10 भी कटते हैं आपस में, हम इसको ऐसे भी काट सकते थे, क्रॉस में कर लेते, ये आपकी मर्जी है, आपकी टीचर की मर्जी है, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे करें, 2 2s are 4, अब 2 5s are, हमारे पास 10 आंसर आ गया, इसको ऐसे भी किया जा सकता था, 4/5 × 10/2, 2 1 times 2 5 times 5 5 से काट गया 4 आंसर आ गया, लेकिन अभी हमारा आंसर फर्क आ गया, यहाँ पे हमने गलती की है, कोई यहाँ पे हमने कुछ किया गलती, देख
ला फिर से कर लेते हैं, मुझे उस पर कुछ लगी है कड़वा। रुक जाए एक मिनट, चल कर फिर जल्दी से कर, इस तरह इस तरफ करके कर, चल कर जरा कुछ। मुझे लगा क्योंकि मेरा उस तरफ फर्क आया आंसर, इस तरफ फर्क आया आंसर। टू और फाइव जी, चल चल जल्दी कर जल्दी कर। किया ही नहीं आपने, चेंज ही नहीं किया उसको तो। देखो ऐसे पर रोकर लेगा तो फिर ना ऐसे तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी काट लेते हैं। फोर ओवर फाइव इंटू फाइव ओवर टू, ओ सवाल तुम्हारा फर्क आ गया। अच्छा टेन है ही नहीं है, हमने ऐसे टेन लिखा हुआ है, ये से काट गया, टू टू जर फोर, टू आंसर है इसका, हमने सवाल गलत लिखा हुआ था जी। चलें अभी 22 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है अब इसको एंड करते हैं, ये काफ़ी टॉपिक हमारा हो गया, आप करते हैं बाय बाय। चलें जी बाय बाय जी, बाय बाय।